अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट को क्विकली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लें और आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लें। मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। डॉक्यूमेंट को ओपन करके हमारे पास डॉक्यूमेंट की सारी स्लाइड शो हो रही हैं। हम कोई भी स्लाइड चूज कर लेंगे। अब हम रिव्यू टैब को ओपन करके लैंग्वेजेस के ग्रुप में से ट्रांसलेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करके मिनी ट्रांसलेटर पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑलरेडी उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। अब हम जो भी सेलेक्ट करेंगे उसको हम ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं और हमारे पास साइट पे एक पेन शो हो जाएगी जिसमें हमें ट्रांसलेशन शो हो जाएगी। उसको हम कॉपी या इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड पे हम मिनी ट्रांसलेटर पे क्लिक करेंगे। अब हम जिस भी वर्ड पे कर्सर पुट करेंगे उसकी ट्रांसलेशन हमें शो हो जाएगी। डिफरेंट वर्ड्स पे कर्सर पुट करके देखें और उसकी ट्रांसलेशन हमें एक डायलॉग बॉक्स में शो हो रही है। नेक्स्ट मैंने एक और स्लाइड को ओपन किया और इसमें से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब जितना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था उस पर कर्सर को पुट किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स में सारी ट्रांसलेशन शो हो रही है। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिसर्च का ऑप्शन। इसमें हमारे पास ट्रांसलेशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहीं पे कॉपी का ऑप्शन है। हम ट्रांसलेशन को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास प्ले का ऑप्शन है। जब हम प्ले करेंगे तो ट्रांसलेशन की हमें स्पीच सुनाई देगी। देन हमारे पास हेल्प का ऑप्शन है। मैंने ट्रांसलेशन को कॉपी करके इसी स्लाइड पे पेस्ट कर दिया। हमारे पास उर्दू और इंग्लिश दोनों में टेक्स्ट शो हो रहा है। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश। उसके बाद मैंने एक और स्लाइड पे ट्रांसलेशन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इस तरह हम अपने टाइटल्स को उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में शो करवा सकते हैं। सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।